हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद। दोस्तों, मैं आपका अपना अमृत राजलवाल हाजिर हूँ फिर से एक नए वीडियो के साथ आपके अपने चैनल राजलवाल एकेडमी पर। दोस्तों, हमारे इस चैनल के माध्यम से एग्रीकल्चरल स्टूडेंट्स, एग्रीकल्चरल रिसर्चर्स, फार्मर्स और एग्रीकल्चरल पॉलिसी मेकर्स के लिए उपयोगी वीडियोज़ के साथ साथ हम हमारे देश के इनक्रेडिबल इंडिया दर्शन, यानी कि देश की हिस्ट्री, देश की कल्चर और जो हमारे देश के हिस्टोरिकल प्लेसेज हैं उनसे जुड़े हुए वीडियोस आप तक पहुंचाते हैं। फ्रेंड्स, सॉइल में पाए जाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स द्वारा रिलीज होने वाले एंजाइम्स का न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी में एक बहुत ही क्रूशियल रोल होता है और इसी को ध्यान में रखते हुए हमने एनालिसिस ऑफ सॉइल बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ वीडियो सीरीज शुरू की है। इस सीरीज़ के पिछले वीडियोस में हमने आपको बताया एनालिसिस ऑफ डीहाइड्रोजनेज एंजाइम के बारे में, एसिड एंड एल्कलाइन फॉस्फेटेज एंजाइम के बारे में, फ्लोरोसिन डाइएसिटेट एनालिसिस के बारे में और उसके बाद हमने आपको बताया बीटा ग्लूकोसाइडेज एंजाइम एनालिसिस के बारे में। इस सीरीज़ के आज के वीडियो में हम बात करेंगे एनालिसिस ऑफ यूरिएज एंजाइम एक्टिविटी इन सॉइल सैंपल्स। तो दोस्तों, चलते हैं लैब की तरफ। लैब में जाने से पहले यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन दबा करके ऑल नोटिफिकेशंस को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोज की जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूरिएज एंजाइम एक्टिविटी का क्या प्रिंसिपल होता है, किन किन रिएजेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, स्टेप बाय स्टेप क्या प्रोसीजर होता है और लास्ट में हम बात करेंगे आप किस प्रकार से यूरिएज एंजाइम एक्टिविटी का कैलकुलेशन। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे यूरिएज एंजाइम एनालिसिस के प्रिंसिपल के बारे में और आज प्रिंसिपल में हम बात करेंगे ब्रेंगर एंड डगलस द्वारा डेवलप मेथड का, यानी कि द प्रिंसिपल द मेथड विच इज डेवलप्ड बाय ब्रेंगर एंड डगलस। वी विल डिस्कस अबाउट द प्रिंसिपल। सो द मेथड डेवलप्ड बाय द ब्रेंगर एंड डगलस इन्वॉल्व्स द एस्टिमेशन ऑफ यूरिया हाइड्रोलाइसिस इन सॉइल्स बाय द डिटरमिनेशन ऑफ यूरिया रिमेनिंग आफ्टर द इंक्यूबेशन ऑफ सॉइल विद यूरिया सॉल्यूशन एट 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। मीन्स कि हम क्या करते हैं कि जब सॉइल में यूरिएज एंजाइम का एनालिसिस करते हैं तो उस टाइम पे जो सॉइल होती है उसमें यूरिया सॉल्यूशन ऐड करते हैं और ये जो यूरिया सॉल्यूशन ऐड करते हैं इसका जो हाइड्रोलाइसिस होता है और इस हाइड्रोलाइसिस का जो होता है वो हम डिटरमिनेशन करते हैं कि हाइड्रोलाइसिस के बाद में जो यूरिया रिमेनिंग होती है इंक्यूबेशन पीरियड के बाद में वो इसमें हम एनालिसिस करते हैं। एंड द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट ऑफ द यूरिया एडेड एंड दैट recovered after the incubation for a specific time is taken as an estimate of urea's activity. Means जो यूरिया आपने एड की और उसके बाद में जो यूरिया एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद में रिकवर होती है वो ही एक यूरिया एंजाइम एक्टिविटी के एस्टिमेट के रूप में ली जाती है। यूरिया इज एस्टिमेटेड कलरोमेट्रिकली, मीन्स कलर डेवलप होता है, रेड कलर डेवलप होता है जब हम यूरिया एंजाइम की एक्टिविटी एनालिसिस करते हैं तो ये रेड कलर डेवलप होता है। सो यूरिया इज एस्टिमेटेड कलरोमेट्रिकली एंड दिस इन्वॉल्व्स द रिएक्शन ऑफ यूरिया व्हेन हीटेड विद डाई एसिटाइल मोनोक्साइड, जिसे डैम के नाम से भी आप जानते हैं, यानी कि यूरिया जो हमारी सॉइल है उसको हम यूरिया से सेचुरेट करते हैं, उसके बाद में फिर हीट करते हैं डाई एसिटाइल मोनोक्साइड के साथ में इन द प्रेजेंस ऑफ थायोसेमिक हर्बिसाइड फॉस्फोरिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड, यानी कि यूरिया को हीट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ डैम टीएससी फॉस्फोरिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड एंड इंटेंसिटी ऑफ रेड कलर, जैसा मैंने पहले बताया था कि रेड कलर डेवलप होता है, द इंटेंसिटी ऑफ रेड कलर डेवलप्ड इज मेजर्ड एट द 527 नैनोमीटर वेवलेंथ विद दिस हेल्प ऑफ स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। जो रेड कलर डेवलप होगा उसको आप मेजर करेंगे 527 नैनोमीटर विद द हेल्प ऑफ स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। एंड मेनी रिसर्चर्स हैव डेवलप्ड द मेथड फॉर यूरिया एस्टिमेशन। सो मेनी रिसर्चर्स हैव एक्सप्लेन्ड दैट यूरिया रिएक्शन विद डैम फॉर्म्स द हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स लाइक पाइरिमिडीन और द ट्रायाजीन डेरिवेटिव्स, यानी कि जब यूरिया का डैम के साथ में रिएक्शन होता है तो कई सारे जो डेरिवेटिव्स है वो डेवलप होते हैं जिनमें मुख्य रूप से हमारा पाइरिमिडीन और ट्रायाजीन होता है। तो दोस्तों, ये था प्रिंसिपल। अब हम बात करेंगे
किन किन रिएजेंट्स की हमें यूरिया एंजाइम एक्टिविटी के लिए जरूरत पड़ती है। रिएजेंट्स की अगर हम बात करें दोस्तों, तो सबसे पहला रिएजेंट आपको चाहिए होता है यूरिया, और इसके लिए आप क्या करेंगे, 2 ग्राम्स ऑफ यूरिया सॉल्यूशन यूरिया लेंगे, 2 ग्राम्स ऑफ यूरिया लेंगे और उसे 100 ml डिस्टिल्ड वाटर के अंदर जो है वो डिजोल्व कर लेंगे, तो ये आपका हो जाएगा 2000 ppm यूरिया सॉल्यूशन, यानी कि 2 ग्राम यूरिया लिया एंड मिक्स इट इन 100 ml ऑफ डिस्टिल्ड वाटर। सेकेंड रिएजेंट इज PMA, यानी कि फेनिल मर्क्यूरिक एसिटेट, PMA फेनिल मर्क्यूरिक एसिटेट, इसके लिए आप क्या करेंगे, 50 milligrams of PMA in 800 ml of distilled water and then make up the volume to 1000 ml with the same distilled water. The third reagent which is required is 2 molar potassium chloride and PMA solution. So PMA solution आपने already prepared किया हुआ है, इसे 2 molar KCl PMA solution के लिए आप क्या करेंगे, 150 grams of potassium chloride लेंगे, 900 ml distilled water add करेंगे and then उसमें 100 ml ऑफ योर PMA सॉल्यूशन ऐड करेंगे जो आपने यहाँ पहले बना रखा है, और इस प्रकार से इसको 1000 ml मेकअप कर लेंगे। उसके बाद अगला जो रिएजेंट चाहिए होता है वो होता है हमारा डैम, जिसे हम डाई एसिटाइल मोनोक्साइड कहते हैं। डैम सॉल्यूशन बनाने के लिए आप क्या करेंगे, 2.5 ग्राम्स ऑफ डैम लेंगे एंड डिजोल्व इट इन 100 ml ऑफ डिस्टिल्ड वाटर। एंड द नेक्स्ट रिएजेंट व्हिच इज रिक्वायर्ड इज थायोसेमी कार्बोजाइड सॉल्यूशन, दिस इज नोन एज द TSC सॉल्यूशन। इसके लिए आप क्या करेंगे, 0.25 ग्राम्स ऑफ TSC लेंगे एंड डिसॉल्व इट इन 100 ml ऑफ डिस्टिल्ड वाटर। द नेक्स्ट रिएजेंट व्हिच इज रिक्वायर्ड इज एसिड रिएजेंट, और एसिड रिएजेंट बनाने के लिए आप क्या करेंगे, 300 ml ऑफ कंसेंट्रेटेड फॉस्फोरिक एसिड लेंगे और उसके अंदर जो है 10 ml ऑफ कंसेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे एक 500 ml के वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में एंड इसको अच्छे से मिक्स करेंगे एंड मिक्स करने के बाद में मेकअप दी वॉल्यूम टू 500 ml विद दी हेल्प ऑफ डिस्टिल्ड वाटर। द नेक्स्ट रिएजेंट विच इज रिक्वायर्ड इज कलरिंग रिएजेंट, एंड द कलरिंग रिएजेंट शुड बी प्रिपेयर फ्रेश ऑलवेज व्हेन यू आर मेजरिंग, सो बिफोर मेजरिंग प्रिपेयर ऑलवेज फ्रेश। इसके लिए आपको क्या करना है, 25 ml ऑफ योर डैम सॉल्यूशन डाई एसिटाइल मोनोक्साइड, 10 ml ऑफ योर TSC यानी थायोसेमी कार्बोजाइड सॉल्यूशन, इन दोनों को आप मिक्स करेंगे 500 ml ऑफ योर एसिड रिएजेंट जो आपने फॉस्फोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जो एसिड रिएजेंट बनाया था उसके अंदर इसको मिक्स कर लेंगे। एंड द लास्ट रिएजेंट विच इज रिक्वायर्ड इज स्टैंडर्ड स्टॉक यूरिया सॉल्यूशन, और इसको बनाने के लिए आप क्या करेंगे, टेक 0.5 ग्राम्स ऑफ यूरिया इन 1500 ml ऑफ 2 मोलर KCl PMA सॉल्यूशन। इसलिए ध्यान रखेंगे आप कि स्टॉक सॉल्यूशन बनाने के लिए भी आपको KCl और PMA सॉल्यूशन चाहिए, एंड फॉर मेजरमेंट ऑफ द यूरिया इन सॉइल सैंपल्स आल्सो आपको चाहिए, तो ये ज्यादा बनाएं, हमेशा ध्यान रखें ये ज्यादा बनाएंगे। तो टेक 0.5 ग्राम्स ऑफ यूरिया इन 1500 ml ऑफ 2 मोलर KCl PMA एंड डाइल्यूट इट टू 2000 ml विद सेम सॉल्यूशन, इसी सॉल्यूशन के साथ में आपको डाइल्यूट करना है, तो जो हमारा स्टैंडर्ड स्टॉक सॉल्यूशन बनेगा दैट विल कंटेन दी 250 milligrams ऑफ यूरिया इन पर लीटर। तो दोस्तों ये थे रिएजेंट, अब हम बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप क्या प्रोसीजर आपको फॉलो करना। सो दोस्तों प्रोसीजर की अगर हम बात करें तो प्रोसीजर में दो पार्ट है, सबसे पहला पार्ट है सॉइल से सॉल्यूशन के अंदर हमें एक्सट्रैक्टेंट लाना है एंड देन उस एक्सट्रैक्टेंट के अंदर हमें जो रेड कलर की इंटेंसिटी है वो मेजर करना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, टेक 5 ग्राम ऑफ फ्रेश सॉइल, सॉइल शुड बी फ्रेश सॉइल एंड इट शुड बी मॉइस्चर इक्विवेलेंट वेट होना चाहिए, ड्राई इक्विवेलेंट ड्राई वेट होना चाहिए। तो इसके लिए आप क्या करेंगे कि 5 ग्राम मेजर करने के लिए एक अलग से बीकर में सॉइल लेंगे एंड देन ड्राई इट इन दी योर ओवन में और वहां से आप इसका मॉइस्चर इक्विवेलेंट वेट ले लेंगे। तो 5 ग्राम फ्रेश सॉइल इन 125 ml ऑफ पॉलीकल फ्लास्क के अंदर ले लेंगे, या आपके पास में कोई प्रोपिलीन की बॉटल है तो उसमें ले लेंगे। उसके बाद में इसमें आप 5 ml ऑफ योर यूरिया सॉल्यूशन जो बनाया था आपने एंड दिस शुड कंटेन दी 10 milligrams ऑफ यूरिया, तो 5 ml यूरिया सॉल्यूशन ऐड करेंगे। उसके बाद में इंक्यूबेट दी सैंपल एट 37 डिग्री सेल्सियस फॉर 5 आवर्स, यानी कि 5 ग्राम सॉइल ली, 5 ml यूरिया सॉल्यूशन डाला, उसके बाद में आपने उसको 5 आवर्स के लिए 37 डिग्री सेल्सियस पर इंक्यूबेट किया एंड इंक्यूबेट करने के बाद में इसमें आप 50 ml ऑफ 2 मोलर KCl PMA सॉल्यूशन जो बनाया था एट दी 50 ml ऑफ 2 मोलर KCl PMA सॉल्यूशन एंड देन शेक दी सैंपल्स फॉर 1 आवर। आफ्टर एडिंग दी 50 ml 2 मोलर KCl PMA सॉल्यूशन शेक इट फॉर 1 आवर
and then filter it with the Wattman number 2 filter paper. Filter paper should be Wattman number 42 filter paper. And after filtering, take out the 1 to 2 ml. Mostly आप इसमें 1 ml ले सकते हैं, क्योंकि कई बार यूरिया की एक्टिविटी कई सॉइल्स के अंदर, इफ यू आर फॉलोइंग दी ऑर्गेनिक फार्मिंग और ऐसी इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, तो वहां पे यूरिया की एक्टिविटी ज्यादा होती है, तो 1 ml ले लेंगे, यदि कम है तो 2 ml ले लेंगे। तो यहाँ जो आपने फिल्ट्रेट किया, उस फिल्ट्रेट से 1 to 2 ml आप पिपेट आउट करेंगे, एक्सट्रैक्ट इन 50 ml वॉल्यूमेट्रिक फ्लक्स, एंड देन इसके अंदर 10 ml ऑफ 2 molar KCl PMA सॉल्यूशन ऐड करेंगे एंड 30 ml ऑफ कलरिंग रिएजेंट्स। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि जब आप इंक्यूबेट कर रहे हैं सॉइल को, उसके बाद जैसे इंक्यूबेशन खत्म होकर आप शेकिंग के लिए जा रहे हैं, उस टाइम पे आप कलरिंग रिएजेंट तैयार करेंगे, फ्रेश कलरिंग रिएजेंट बनाना है। तो जो आपने पिपेट आउट किया 1 to 2 ml, उसके अंदर आपने 10 ml 2 molar KCl PMA सॉल्यूशन डाला एंड 30 ml ऑफ योर कलरिंग रिएजेंट डाला। इसके बाद में आप इसको वाटर बाथ करेंगे, आप वाटर बाथ देंगे 30 मिनट्स के लिए, हाफ एन आवर के लिए वाटर बाथ देंगे, बॉइलिंग वाटर होना चाहिए उस पे, आप वाटर हाफ एन आवर के लिए वाटर बाथ करेंगे, और वाटर बाथ से निकालने के बाद तुरंत इमीडिएटली इसको आप कूल करेंगे, आप ठंडे पानी के साथ में कूल करेंगे, और ठंडे पानी के साथ कूल करने के लिए साथ अगर सर्दियों के दिन है तो ठंडे पानी में ही कूल हो जाता है ये। यदि आप इस टाइम पे जैसे समर सीजन में कर रहे हैं तो ऐड सम आइस भी आपको वहां पे आइस क्यूब्स भी ऐड करेंगे तो टेम्परेचर एकदम से डाउन होगा, उसके बाद में रेड कलर डेवलप हो जाएगा और इसका वॉल्यूम जो है आप वो डिस्टिल्ड वाटर की सहायता से 50 ml मेकअप कर लेंगे, एंड देन मेजर द रेड कलर इंटेंसिटी एट 527 nm विद द हेल्प ऑफ स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। तो दोस्तों ये था इसका प्रोसीजर, जिसमें हमने क्या किया, सबसे पहले 5 ग्राम फ्रेश सॉइल ली, उस सॉइल के अंदर आपने जो है 5 ml ऑफ यूरिया सॉल्यूशन डाला, यूरिया सॉल्यूशन डालने के बाद में आपने 5 आवर्स के लिए उसको 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के ऊपर जो है इंक्यूबेट किया, इंक्यूबेट करने के बाद में उसमें आपने 50 ml 2 molar KCl PMA सॉल्यूशन डाला, उसके बाद में उसको 1 आवर के लिए आपने शेक किया, शेक करने के बाद में आपने उसको वाटमैन नंबर 42 फिल्टर पेपर की सहायता से जो है फिल्टर कर लिया, फिल्टर करने के बाद में जो एक्सट्रैक्टेंट आया उससे आपने 1 to 2 ml डिपेंडिंग ऑन दी और न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट इन दी सॉइल, आपने 1 to 2 ml एक्सट्रैक्टेंट लिया और उसके बाद में उसमें जो है 10 ml 2 molar KCl PMA डाला और 30 ml ऑफ योर कलरिंग रिएजेंट जो हमेशा आपको फ्रेश प्रिपेयर करना है ये डाला, उसके बाद में 30 मिनट्स के लिए आपने इसको बॉइलिंग वाटर पर वाटर बाथ किया, और वाटर बाथ करने के इमीडिएटली उसके बाद तुरंत इसको कूल करना है ठंडे पानी के अंदर, रेड कलर डेवलप होगा, फिर इसका आप डिस्टिल्ड वाटर की सहायता से 50 ml वॉल्यूम मेकअप कर लेंगे, और वॉल्यूम मेकअप करने के बाद में 527 nm पर जो है इसका आप कलरिंग जो रेड कलर आया उसकी इंटेंसिटी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की सहायता से मेजर कर लेंगे। तो दोस्तों ये था इसका प्रोसीजर, अब हम बात करेंगे कि आप किस प्रकार से यूरिया एंजाइम की कैलकुलेशन, दोस्तों कैलकुलेशन की अगर हम बात करें तो उसके लिए आप क्या करेंगे कि जो हमने 250 मिलीग्राम पर लीटर यूरिया का जो स्टॉक सॉल्यूशन बनाया था उसमें से आप 10 ml ऑफ जो है पिपेट आउट करेंगे, स्टैंडर्ड स्टॉक सॉल्यूशन से आप 10 ml पिपेट आउट करेंगे और इसको आप जो है फिर इसमें 100 ml आप KCl PMA सॉल्यूशन जो 2 molar का बनाया वो डालेंगे, तो ये 100 ml में ले लेंगे आप। उसके बाद जो ये वर्किंग सॉल्यूशन आपने बनाया, इस वर्किंग सॉल्यूशन से पिपेट आउट 0, 1, 2, 3, 4, 6 and 8 ml ऑफ एलिकॉट्स डिपेंडिंग ऑन दी कलरिंग इंटेंसिटी ऑफ योर सैंपल्स, आप इस तरह से इतने ml जो एलिकॉट्स जो एक्सट्रैक्ट करेंगे 50 ml वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क के अंदर, 50 ml वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क के अंदर आप ये पिपेट आउट करेंगे। उसके बाद में आपको वही प्रोसीजर फॉलो करना है जो आपने यूरिया हाइड्रोलाइसिस जो आपके सॉइल सैंपल्स में किया था, 10 ml उसमें 2 molar KCl PMA सॉल्यूशन डालेंगे, 30 ml कलरिंग रिएजेंट डालेंगे, उसके बाद में उसको आप वाटर बाथ देंगे हाफ एन आवर के लिए, इमीडिएट उसको कूल करेंगे, कूल करने के बाद में उसका वॉल्यूम मेकअप करेंगे और जो कलर इंटेंसिटी है वो 527 nm पर मेजर कर लेंगे। तो उस प्रकार से आपका एक ग्राफ बनेगा, उसमें एक तरफ आएगा आपका एब्जॉर्बेंस और एक तरफ जो क्वांटिटी आपने दी थी, ये जो 0, 1, 2, 3, 4, 6, 8 जो क्वांटिटी आपने दी थी, तो इस तरह से एक ग्राफ बनेगा। इस ग्राफ पर जब आप इंटरसेप्ट करेंगे तो ये एक रिएक्शन आएगी आपकी, सॉरी इक्वेशन आएगी आपकी y = mx + c। तो यहाँ पे आपको कंसेंट्रेशन देखने तो x = y - c/m, तो यहाँ से आप कंसेंट्रेशन निकाल लेंगे और इस कंसेंट्रेशन को आप एक्सप्रेस करेंगे मिलीग्राम ऑफ यूरिया पर ग्राम ऑफ सोयल पर आवर।
इंक्यूबेशन जो आप कर रहे हैं 5 आवर्स के लिए कर रहे हैं, तो आप उसको डिवाइड कर लेंगे 5 से, तो वो आपका पर आवर में जो है यूरेज की एक्टिविटी आ जाएगी। तो ये आपकी कैलकुलेशन है। तो ये था दोस्तों इसका कैलकुलेशन। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने आपको बताया एनालिसिस ऑफ यूरिएज एंजाइम एक्टिविटी इन सॉइल सैंपल्स। इसमें हमने आपको बताया यूरिएज एंजाइम एक्टिविटी के प्रिंसिपल के बारे में, देन क्या क्या रिएजेंट्स आपको जरूरत होती है, किस प्रकार से आप प्रोसीजर फॉलो करेंगे, और लास्ट में हमने आपको बताया किस प्रकार से आप जो ऑब्जर्व सैंपल्स हैं उनमें किस प्रकार से आप यूरिएज की एक्टिविटी की कैलकुलेशन करेंगे। आशा है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि ये वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए। मिलेंगे दोस्तों एक अगले वीडियो में, जो उपयोगी होगा एग्रीकल्चरल स्टूडेंट्स के लिए, फार्मर्स के लिए, एग्रीकल्चरल रिसर्चर्स के लिए और पॉलिसी मेकर्स के लिए। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।